हेलो, हम लोग आज जो क्लास 11th में अपना चैप्टर चल रहा था उसमें एक नया टॉपिक लेते प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। ये वाला हम लोग टॉपिक लेकर आए। जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा गुरुत्व प्रभाव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आज हम लोग पढ़ेंगे यदि पृथ्वी तल से हम एक द्रव्यमान पिंड लें, एम द्रव्यमान का, उसको घी वेग से ऊपर की ओर फेंकें तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यह हमें ज्ञात करना है। यानी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई इसको निकालना। इसके लिए हम लोग लेते हैं शुरुआत से, मान लिया पृथ्वी तल से हम लोगों ने वी वेग से एम द्रव्यमान की वस्तु को वी वेग से ऊपर की ओर फेंका। एम द्रव्यमान की वस्तु को वी वेग से ऊपर की ओर फेंका तो यह एच हाइट तक गई और एच हाइट के बाद ये यहां रुकेगी, उसके बाद फिर ये वापस फिर पृथ्वी पे आ जाए। तो ये अधिकतम जो हाइट है इसको कैसे ज्ञात करें, इसके लिए देखें। तो फेंकते समय इसकी जो एनर्जी है कि इक्वल होगा आर एम वी स्क्वायर, क्योंकि एम द्रव्यमान की वस्तु को यदि वी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं, ठीक, तो उस समय अगर कहा जाए कि नीचे कि कुल गतिज ऊर्जा कितनी है, तो गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र उससे हम निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी उसकी गतिज ऊर्जा, इतनी ऊर्जा का उसको हमने फेंका। अब कहा जाए कि उसको जब फेंका तो पृथ्वी तल पर उसकी पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, तो ध्यान देंगे वो थी मान लो यू नॉट। यू नॉट इक्वल थी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। ये तो पहले निकाल दो, कल डेरिवेट किया था उसके अनुसार देखें तो स्थिति जो ऊर्जा होगी अपनी यू नॉट यानी पृथ्वी तल पर उसकी स्थिति ऊर्जा लिखी, और एच ऊंचाई पर जाकर के उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो यहां करना है यू एच इज इक्वल हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ये अब कहा जाए कि कुल स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाए, ये हमें पता है। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के लिए हम देखेंगे इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर निकालेंगे, यानी यू एच में से यू नॉट घटाते हैं। तो यहां पर हम लोग डेल्टा यू निकालते हैं, डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा यू एच माइनस यू, इसमें ये वैल्यू रखें, ठीक। इसको अगर मान लो हम इक्वेशन वन ले लें, इसको हम टू ले लें, तो इक्वेशन वन से हम यू एच की वैल्यू रखें तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये होगा माइनस। एक फॉर्मूले का ये बार माइनस और एक इसका माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई, इनमें से कॉमन निकाल लें तो यहां आ जाएगा जी एम ई एम कॉमन आ जाएगा। और इसको अगर हम क्रम से लिख दें तो प्लस वाला पहले लिख रहे हैं हम वन अपॉन आर ई, तो यहां माइनस वन अपॉन आर ई प्लस एच, ये आ जाएगा। इसको अगर हम एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व करें तो यहां आएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई और यहां आर ई प्लस एच, तो यहां हो जाएगा ऊपर आर ई प्लस एच माइनस आर ई। ये सॉल्व किया हमने एलसीएम लेकर के, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आई अपनी ये देखते हैं, डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा जी एम ई एम एच अपॉन, यहां हो जाएगा आर ई और आर ई प्लस एच। ये इतना अगर हम इसको देखें और इसमें जी एम ई की वैल्यू हम स्मॉल जी के पदों में लिखना चाहें, जी एम ई की वैल्यू हम इसमें स्मॉल, थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं, जीएमई की वैल्यू हम लोग इसमें लिखेंगे स्मॉल जी के पदों। तो हम लोग जानते हैं
स्मॉल जी इज इक्वल कैपिटल जी एनी अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इससे हम डी एन ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डी एन ई इक्वल आएगा जी आर ई स्क्वायर। इसको हम लोग डेल्टा यू वाला पद जो हमारा आया, तो डेल्टा यू इक्वल यहाँ आ गया था आधा एक्सप्रेशन आपसे नीचे से नहीं देख रहा हमने जाकर देखा कैमरे में, तो इसको ऊपर लिखते पहले, तो ये आया जी एम ई एम एच अपॉन आर ई ब्रैकेट में फिर आर ई प्लस एच। ये इसमें जब हम ये ऊपर की डी एन ई की वैल्यू रखेंगे डी एन ई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर एम एच अपॉन आर ई और आर ई प्लस एच। इसमें ये आर ई से इसको ऊपर वाले में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल जो आया वो हो गया एम डी एच स्मॉल जी है अपॉन, यदि इसको लेते हैं आर ई प्लस एच अपॉन आर। अब चूंकि हम चाहते हैं कि हमें निकालना एच को है, अब हम इसमें इसको पहले अलग अलग करके लेते हैं, यहां आएगा एम डी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर, यहां ये डेल्टा यू टू। अब चूंकि हम जानते हैं उसको कुल गतिज ऊर्जा में इतनी दी और स्थितिज ऊर्जा में अंतर ये आया, तो इन दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, यानी के ई का मान जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, तो इसमें रखेंगे तो के ई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर डेल्टा यू के स्थान पर, हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल एम डी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से एडजस्ट कर दें इसको, क्योंकि ये डेरिवेशन है थोड़ा बड़ा है और उसमें कैमरे में ये आता रहे, इस वजह से हम इसको अब यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन आया लास्ट उसको हम लोग इस साइड लें, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ये आ गया था वन बाई टू बी स्क्वायर इज इक्वल जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई। या अगर आप इससे कहें कि आप वी की वैल्यू निकालो, तो अभी आप ध्यान देना निकालना तो फाइनली हम लोगों को एच की है, लेकिन इसको इक्वेशन डालने के बाद इसके बीच में अगर ये पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी चाहिए ऊंचाई के लिए, तो उसके लिए फंक्शन हम यहाँ बीच में बना रहे हैं, तो इसको इक्वेशन थर्ड ले लिया अभी हमने। अब इसको अगर हम कहें इससे बी स्क्वायर की वैल्यू अपनी है, उससे बी की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, ये हो जाएगा आपकी v की वैल्यू। h हाइट के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी द्रव्यमान पिंड को कितने वेग से ऊपर की तरफ फेंकना चाहिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला, लेकिन फाइनल हवा में क्या निकालना, h ऊंचाई तक पहुंचने वाली बात जो है यानी हाइट h निकालना, h निकालने के लिए इसको हम थर्ड को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर जो होगा, तो यहां अपना आ जाएगा बी स्क्वायर, इसको यहां लिए और वन प्लस एच अपॉन आर ई इज इक्वल जी एच इंटू टू, ये हमारा फंक्शन इतना आया टू जी एच। अगर इनमें हम फिर से एलसीएम ले लें, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर ई, यहाँ हो जाएगा आर ई प्लस एच इज इक्वल जी एच इंटू टू, ये यहाँ पहुंचा है, तो बी स्क्वायर और आर ई प्लस एच इज इक्वल आएगा टू जी एच आर ई। अब चूंकि हम एच की वैल्यू निकाली, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो बी स्क्वायर आर ई यहाँ आएगा बी स्क्वायर h इज इक्वल टू जी एच आर ई। अब ये वाला फंक्शन हम इस साइड ले जाएं, तो उधर ले जाने पर जो हमारा h कॉमन आएगा उसको हम निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर आर ई इज इक्वल टू जी एच आर ई माइनस बी स्क्वायर h, एच कॉमन ले लो, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्पेस बना करके इतनी जगह में लिखने,
लिखते हैं, तो यहां पर देखेंगे तो अपना जो आएगा बी स्क्वायर आर ई इज इक्वल एस कॉमन ले लेंगे तो यहां आएगा टू जी आर ई प्लस बी स्क्वायर। इससे फाइनल अगर एच निकाले एच इक्वल आएगा बी स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई टू जी आर ई प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से देखा हमने जो हमारा फंक्शन बना यानी लास्ट में जो आया एच इज इक्वल आ गया वी स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई टू जी आर ई प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का सूत्र। फिर से देख लें हमें क्या ज्ञात करना है कि यदि हम वी वेग से एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकें तो अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त कर लें। इसके लिए हम लोगों ने जो डेरिवेशन स्टार्ट किया था वो यहां से स्टार्ट किया था, तो के इक्वल यानी नीचे से जब वी स्क्वायर सॉरी वी वेग रखती से हम फेंकेंगे एम मास की बॉडी को उसमें के ई होगी हमारी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, तो इससे ऊपर की तरफ हमने फेंक दिया। पृथ्वी की सतह पर उसकी जो स्थित ऊर्जा थी यू नॉट थी और जब वो एच हाइट पर पहुंच जाएगी तो उसकी स्थित ऊर्जा यू एच हो जाएगी। फिर इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है वही इस गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो ये अंतर हमने कैलकुलेट किया यहाँ करते रहे ठीक। इसमें कैपिटल जी का मान स्मॉल जी के फॉर्म लिख करके हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ डेल्टा यू हमारा आया, तो डेल्टा यू की वैल्यू हमने के इक्वल रखी तो यहाँ पर ये फंक्शन आ गया। इसके बाद फिर हमने आकर के यहाँ पर देखा कि 1 by v square equal g h upon 1 plus h upon r, इसकी मदद से हमने निकाला कि वेलोसिटी कितनी चाहिए यदि कार है h ऊंचाई तक हमें प्रक्षेप को पहुंचाना है तो हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बना दिया था। लेकिन फाइनली जो हमें चाहिए वो h का मान चाहिए, तो इसी को हम फिर आगे सॉल्व करके चले गए और सॉल्व करते हुए जब यहाँ तक आए तो यहाँ देखा कि h की फाइनल वैल्यू जो आई अपनी v square r upon 2gre plus v square इतनी हमें प्राप्त। इस प्रकार से हमने देखा प्रक्षेप द्वारा महत्तम ऊंचाई कितनी प्राप्त की जा सकती है, इसको हमने प्राप्त किया और इसका नेक्स्ट जो होगा हम अगले दिन देखेंगे।